Divya Sharma, www.myfitnessbeauty.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं दिव्या शर्मा. आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि 10 मिनट के लिए सिर्फ रस्सी कूदने से यानी कि स्किपिंग करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, कि जो हम जिम जाकर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं या फिर पसीना बहाते हैं, उससे कहीं बेटर है अगर आप शुरुआत से ही रस्सी कूदना शुरू कर दें तो आपको जिम जाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी. तो आइए जानते हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में. हम बचपन में तो बहुत बार रस्सी कूदते हैं और उसके फ़ायदे भी लेते हैं, क्योंकि ये हमारी एब्स को और थाइस को, मांसपेशियां जो होती हैं हमारी, उनको सक्रिय रखता है. तो आइए इनके और भी क्या फ़ायदे हैं इनके बारे में जानते हैं. सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे पहला फ़ायदा जिसको टर्न वाइज करा जाए तो ये मोटापा घटाता है. रस्सी कूदने से हम मोस्टली ऐसे जिम में जाते हैं, घर पे कोई एक्सरसाइज करते हैं तो एक बार में एक पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं, या फिर तो एब्स की करेंगे या थाइस की करेंगे, हिप्स की करेंगे, आर्म की करेंगे. तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो फुल बॉडी की है, पूरी बॉडी की है. जहाँ भी बॉडी में एक्स्ट्रा चर्बी है, एक्स्ट्रा मास है, तो वो मास मेल्ट होता जाता है और ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये पूरी बॉडी की ही एक्सरसाइज करता है. इसलिए आप दिन में 15 मिनट के लिए मोटापे के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें. ये स्किपिंग की ये नहीं है कि 15 मिनट इसके लिए करनी, 15 मिनट इसके लिए अलग अलग नहीं करनी, लेकिन अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, मोटापे को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें स्किपिंग. उसके बाद आता है हाथों की मजबूती के लिए. अगर हम रस्सी नियमित रूप से कूदें यानी स्किपिंग को नियमित रूप से करें तो ये हाथों के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है. ये हाथों को मजबूती देती है, कलाई को मजबूती देती है. जिनके कलाई में दर्द रहता है वो धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को करें तो कलाई अपने आप सही हो जाएगी. उसके बाद आता है लंबाई बढ़ाने में. बच्चों की लंबाई अक्सर कभी कभी ऐसे होता है नहीं बढ़ पाती या रुक जाती है, तो इसके लिए बच्चों को ये आदत शुरू से ही डाल दें स्किपिंग करने की. इससे उनकी हाइट बढ़ेगी, वो बीच में आकर कभी रुकेंगी नहीं. ये नहीं कि अब बढ़ना बंद हो गई है. लंबाई बढ़ाने के लिए स्किपिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है. उसके बाद बात करते हैं एड़ियों में घुटनों के दर्द में. रस्सी कूदने से एड़ियों और घुटनों में दर्द की संभावना ख़त्म हो जाती है. यदि आपको एड़ियों और घुटनों में दर्द रहता हो तो धीरे धीरे रस्सी कूदें. ऐसा करने से एड़ियों में और घुटनों में ताकत बढ़ती है और जो दर्द है वो कम होता जाता है. इसलिए ये एड़ियों के और घुटनों के दर्द के लिए भी स्किपिंग करना बहुत बेनिफिशियल है. जिनके एड़ियों में दर्द है वो धीरे धीरे से स्टार्ट करें, ये नहीं कि बहुत फास्ट करना है. उसके बाद आता है तनाव को दूर करने में. ये बात साबित हो चुकी है कि जिनका भी दिमाग थोड़ा कमज़ोर रहता है या फिर ये कहें कि तनाव बहुत ज़्यादा फील करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो माइंड शार्प उन लोगों का ही नहीं होता जो स्ट्रेस में रहते हैं. जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनका माइंड शार्प थोड़ा कम होता है. इसलिए अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप स्किपिंग करें 10 मिनट के लिए. ऐसा करने से तनाव दूर होगा और माइंड शार्प होगा. इसके बाद आता है कैलोरी को बर्न करता है. रस्सी कूदने से शरीर की कैलोरी अधिक तेजी से बर्न होती जाती है, जिससे आपका शरीर पहले से स्लिम होता जाता है. पर एक चीज़ का ध्यान रखें, ये कोई भी सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं ये 100% स्किपिंग करने से मिलते हैं. पर एक दिन करके दो तीन दिन के लिए छोड़ देना ये नहीं, आप रोज़ स्किपिंग करें और इसके बेनिफिट्स लें. उसके बाद आता है विषैले तत्व को बाहर निकालना. रस्सी कूदने से शरीर की कैलोरी भी बर्न होती है और साथ में विषैले तत्व पसीने के थ्रू बाहर निकलते हैं, यानी जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं और शरीर हेल्दी रहता है. इसीलिए अपने बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए स्किपिंग ज़रूर करें. उसके बाद आता है दिल की बीमारी में फ़ायदेमंद. जिनको भी ऐसे लगता है कि उनको हार्ट की बीमारी हो सकती है, या फिर ये कहें कि जो भी इंसान
फ्यूचर में हार्ट की बीमारी से बचना चाहते हैं वो स्किपिंग ज़रूर करें, क्योंकि ये नर्व सिस्टम को बेटर बनाकर रखती हैं और हृदय के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये नहीं होने देती, ब्लड का सर्कुलेशन बेटर रहता है। सो इसका रिजल्ट यही है कि आप स्किपिंग ज़रूर करें 10 से 15 मिनट, ताकि आपकी हाइट भी बढ़ सके, फैट भी नहीं रहे, कैलोरी बर्न हो सके और आपका बॉडी हेल्दी रहे। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।